नमस्कार, कैसे आप सब? आशा करता हूं सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दिल्ली का सारांश। आज मैं खड़ा हूं अपनी मम्मी जी के साथ। और मेरी मम्मी जी के देखो कितनी क्यूट लग रही है, ब्यूटी स्लीप लेके उठी हैं अभी। अभी अभी मम्मी ने अपनी ब्यूटी स्लीप पूरी करी है। ब्यूटी स्लीप देखिए देखिए, देखो कितना चेहरा चमक रहा है ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, झुर्रियां भी नहीं है। पापा तो कुछ कहते भी नहीं आपसे। पापा का नाम भी मतलब मिला रही भी थी। अब आप मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और चलो इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। और व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सबको पता है ना क्या करना है? क्यों बताना पड़ता है मुझे रोज रोज? क्यों मैं अपना फालतू का मीम डालूं उसमें? आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। एक बात बता। दो बात बताऊंगा? नहीं, ये बात बता कि तेरे पे कोई और कपड़े नहीं है घर में? नहीं, यही लटका डोलता काला पजामा, नीली टी शर्ट। मुझे ये टी शर्ट बहुत अच्छी। नहीं, मेरे पे नीली तीन तीन तरह की टी शर्ट है। मैं रोज एक एक पहनता हूँ। रोज एक एक पहनता हूँ। चुप रहे। पर ये तो अब ऐसा है, आज तू अपनी अलमारी को पूरी निकाल के बाहर रख। आज के मैं जींस पहन के घूमू पूरे दिन? अरे मतलब जींस पहनने का मतलब नहीं होता, लेकिन ये होता है ना कि तू टी शर्ट तो एक ही पहनता है। अरे मेरे को जो टी शर्ट पसंद है। टी शर्ट चेंज कर। अरे धुलती आज चेंज कर। धुलती भी तो है टी शर्ट मेरी। हाँ, बन गया बॉडी गार्ड, टेंशन मत ले। डंबल जैसे एक्सरसाइज करता हूँ, ऐसा वैसा नहीं हूँ। हाँ दिख रहा दिख रहा। थक गया आप गया। अच्छा अच्छा, पीछे थोड़ा नीचे झुकता सही, झुक है नहीं ना। अरे ये तो भी सही। चलो ऐसे ही चलता रहेगा और ये ऐसे ही करेगा जो इसे करना है, उल्टा सीधा। मेरी बुराई चल रही है? नहीं। अरे अरे नहा धोके भाई साहब ऐसे बैठे हुए थे हम लोग। मम्मी अपना ये कुछ पुराना काम ताम तमड़ा साफ कर रहे थे। सारा ये मेरा ये जो उसमें एक्स्ट्रा सामान रखने का नहीं होता, जैसे छोटी मोटी चीज मेकअप का रख लिया कर लिया टंगा हुआ था। हाँ। तो इसके अंदर मतलब इतना कचरा मतलब सारा ये देखो, इधर साइड में मैंने बैक कैमरे से दिखा ना। हाँ, बैक कैमरे से दिखा। वेस्ट मटेरियल ये सारा, ये वॉश हो। मम्मी मम्मी मैं आपसे एक बात कहूँ, जितनी जल्दी आपने कराया ना उससे डबल स्पीड में कर लो, क्योंकि अभी मामा का फोन आया और वो आ रहे हैं। मामा को लस्सी पिलाएंगे। मुझसे ना आज कोई काम नहीं होगा, तू ऐसा कर भाई ये सामान वामान देख लेना और भूख भूख लगे तो मैगी पैगी बना के खा लेना, मैं सो रही हूँ। अच्छा तो संजू मामा को फोन करके बोल दो कि मत आओ। क्या क्या उनका फोन आया ना, वो आ रहे हैं। कौन? संजू मामा एक घंटे आधे घंटे में। अच्छा हाँ, फटाफट से काम। और सुन, मैं मार्केट जा रही हूँ। हाँ। और पनीर दही लस्सी और ये सब ले 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 लगा के आती हूँ। बस पापा नहीं है यहाँ पे, पापा होते मजा आ जाता कसम से। अभी तो बड़ी सस्ता आ रही थी। हाँ, जैसे भाई आ रहा है, चलो चलो मैं भी लेकर आई पनीर। अभी मामा का कॉल आया था, वो कह रहे कि उन्हें कोई बहुत जरूरी काम पड़ गया इसलिए वो वापस जा रहे हैं, तो वो आज नहीं आ पाएंगे। ऐसे म्यूट कर ले। तो चलो आगे आगे बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पे अभी पीनू की डांट लग रही थी क्योंकि ये पैंट लेकर आया, छोटी ले आया था, उसके बाद अब सही आई है और ये सुनता नहीं है हमारी। हमेशा बोलता है कि मैं खाना नहीं खा रहा, खाना नहीं खा रहा, खाना नहीं रहा। मतलब नवरात्र चल रहे हैं, प्याज का खाना नहीं बनना तो तू नहीं खाएगा? उस दिन दाल चावल में कौन से प्याज की बनाती हूँ, हमेशा दाल चावल तो मैं नॉर्मली बनाती हूँ। और जब भी स्कूल जाता है कहता है आज लंच नहीं ले जाऊंगा। रोज का इसका ड्रामा हो गया है कि मैं लंच नहीं ले जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, अरे आज रखो मत। मतलब क्या मेरी एक्टिंग कर रहा है क्या? नहीं, सुबह खड़ा हो जाएगा मेरे सिर पर सुबह, तो सुबह भूख नहीं है और दोपहर में वह है मैं खाना नहीं खाऊंगा, फिर खा भी जाएगा। यहाँ डल रहे हैं मेरे चावल। मम्मी मैं एक्सरसाइज करता हूँ रोज। खाई तुम नहीं खाए, और दो और रोटी खाई नहीं जा रही तुम लोगों पे। तो रोट आटा रखा है मैंने रोटी गरम के चक्कर में, तो रोटी नहीं बनाई। रोटी शाम को खा लेंगे।
मैंने कहा गाड़ी डाल है भाई, गाड़ी है, गाड़ी गाड़ी गाड़ी। दिल का टेलीफोन, मेरे दिल का। तू किसके दिल के टेलीफोन बजवा रहा है बे? अरे मैं ट्रेड इंसान की वीडियो देख रहा हूं, कैसे सॉन्ग पे तू इन्हीं के व्यूज बढ़ाते रहते हैं, अपने चैनल के बढ़ाए ना जा रहे तेरे पे। मैं सही बता रहा हूँ, एक हफ्ते में तूने इनके 1,00,000 व्यूज कर दिए होंगे। अरे जो देखता है मुझे देखता ही जाता है। हाँ नहीं तो पकड़ लिया। इसके बाल इतने गंदे रफली हो रहे हैं, इतने ज्यादा डैंड्रफ, और ये बालों में इसके बाल चिपक रहे हैं। और मेरे बाल बहुत ज्यादा सिल्की हो रहे हैं, क्योंकि ना धोता है ना शैम्पू करता है। मैं तो शैम्पू करता हूँ, तेल लगाता हूँ। यार मैं इनसे कंधे दबाने के लिए आया था, इन्होंने मेरे बाल ही पकड़ लिए। ये शख्स ये जाके तेल की बोतल लेकर आया है। तो आप सब बताना कमेंट में कि बताओ बालों में ऑयल करना चाहिए या नहीं करना। अरे चाहिए? तो मेरे को सूट नहीं करता ऑयल। बताओ ऑयल, इसका ऑयल डलवाने से मेरे बालों में खराबी आती है? नहीं, सिर में दर्द होता है। मेरे सिर में दर्द होता है, भारी हो जाता है सर मेरा। अब मैंने इसको बोल दिया आप 2-3 घंटे रख ले, शाम को 7 बजे के बाद हेयर वॉश कर लेना। ठीक है। सारांश ने आज अपनी लगा ली है दुकान, क्योंकि इसने खोल के रखी है अपनी कवर, और सारा सामान इसने मुझे भी अपने साथ लगा लिया है। थोड़ा सा मैंने भी इस काम को संभाला है, अपना काम किया है, तो आज जरा इसका काम ही देख लेते हैं। चलो, टी शर्ट 100 रुपया। यहाँ पे वो टी शर्ट है जो मैं पहनूंगा, और यहाँ पे वो है जो एक्स्ट्रा में निकली है, वो निकलेंगे। ये वाली वहाँ क्यों रख दी मैंने? क्यों? ये तो सही थी, अभी पहनी थी। सही थी, ये तो अपनी सदावार। ये ना अब तूने नाइट की बना ले, जो आके नहा के बदलता है ना कपड़े दिन भर के, ये नाइट की कर ले। अरे क्या प्रॉब्लम है? सॉक्स नहीं मिल रहा। सॉक्स स्कूल वाले पहन जा रहा हूँ। तुम्हारा मैंने कवर अलग कर दिया, सब कुछ अलग दे दिया, फिर भी अब मैं सॉक्स स्कूल वाले पहन जा रहा। स्कूल वाले क्यों? क्यों मुझे चाहिए सॉक्स? स्टड्स क्यों खाली पहनूं? तो सॉक्स अपने देख लो ना, नहीं है कवर में? नहीं, खुद को होश ही नहीं होगा, कवर क्या दुनिया जान में भी नहीं मिलेंगे। ये निकलने जा रहा है खेलने, स्टड्स पहन के फुटबॉल, और ये नई टी शर्ट दी है मैंने, मतलब मेरी पुरानी है, इसके लिए नहीं है। हाँ, मेरे लिए तो नहीं है। आज चल, तू थोड़ा सा सही लग रहा है आज। हम तो देखो, हम गरीब आदमी बनियान में घूमते हैं। और मम्मी मेरी टी शर्टों की तह लगा रही हैं, वेरी गुड। इतनी टी शर्टें निकली है और मैं मम्मी से कह रहा था, मेरे पास टी शर्टें नहीं है, बस भाई एक ट्राउजर नहीं है, ट्राउजर और कुछ जीन्स लेके आनी है, बस वो बर्थडे पे लूंगा। घर में मास्क लगा के घूम रही है, इसे कहते हैं भाई कोरोना। अभी मैं बाहर गई थी ना, तो मैं लगा रहा था, मैं वो भूल गई कि मैंने मास्क हटाया, तो मैं काम करती रही। मेरा मास्क आज खाने में फिर से दही के आलू बने, क्या बात है। पीनू के आलू के, पीनू के लिए आलू के पराठे, एक पराठा भी खा लेंगे। कहीं नहीं मिल रहा, मैंने उतना ही बनाया है। नहीं है कोल्ड कॉफी, आए आए बस मुझे बस थोड़ी सी दाल देना। और मम्मी जा रहे हैं अभी मंडी कुछ, क्योंकि हम कल मम्मी जी का व्रत है, तो उसके लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आने हैं, तो चलो चलते हैं। अरे कौन भोंक रहा है, कौन भोंक रहा है? चलो भाई स्कूटी निकालते हैं। तो यहाँ पे अभी बज रहे हैं भाई 11 रात के, और इन दोनों ने मेरे को अपने पास बुला के बैठा रखा है, क्योंकि इन्हें बाथरूम में से आवाज़ें आ रही थी। बार बार बुलाए, चेक कर ले भाई, कोई है, पानी की आवाज़ आ रही है। मैंने यार अब बोला कि जब तक ये दोनों सो नहीं जाते, चलो सो गए। कितनी एक्टिंग देखो, ये तो जग रही है। जब तक ये सोने आते भाई, तब तक, क्योंकि अभी पापा आ रहे हैं रात में 2 बजे तक, तो कह रहे हैं, मैंने कहा भाई इतना मत डरो, जो जहाँ डरता वो आ रहा है और डर जाएगा। अब बारी है इस ब्लॉग को एंड करने की। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, फैला दो। तो चलो आज के लिए हो गया, मिलते हैं कल, तब तक गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।
मेरे एकज भाई ने तड़कते तड़कते ब्लॉक के साथ।